subscribe the channel and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा। आप देख रहे हैं फूड ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे चिकन 65 रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैरिनेटेड चिकन है, इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे 1 स्पून, ये लाल मिर्च पाउडर है, इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा, ये नमक डाल दिए 1/2 चम्मच, अब इसमें एक अंडा फोड़ के डाल देंगे, हमने कॉर्नफ्लेक्स डाला है आटा 1 स्पून, मैदा है, दो चम्मच मैदे का आटा और 2 चम्मच मक्के का आटा डालें, इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि सारी पीसों में ठीक से मिल जाए। ये मिल चुका है, ये देखिए ठीक से मिल गया है। अब इसमें दही डाल देंगे 2 चम्मच, हमने दही डाल दिया, चिकन 65 से अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है पीसों को। ये देखिए चिकन 65 मैंने फिर से थोड़ा कम लग रहा था, तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए और 1 चम्मच मैदे का। इसे अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए मिल चुका है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से फेंटना है ऐसे चम्मच से, सारी पीसों में मिल चुका है। ये देखिए इसमें कलर के लिए रेड कलर डालना है, ताकि इसका कलर अच्छा आएगा। ये
गलती से ऑरेंज कलर आ गया है, बट अपने को रेड कलर ही डालना है। रेड कलर डालने से इसका कलर और भी अच्छा आता है। ऑरेंज डालने से थोड़ा इसका कलर, पर आप कलर पे मत जाइए, रेसिपी बिल्कुल सही है। जिस तरह से मैंने जिस क्वांटिटी में डाला है तो आपको भी वैसे ही डालना है, तभी चिकन 65 अच्छा लगेगा। इसे करीब 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। जितनी ज़्यादा देर तक रखेंगे आप उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। मैंने इसे वैसे 3 घंटे के लिए रखा था। अब हम इसे तल लेंगे, इसी आँच पे तलना है ताकि ये पीस अच्छी तरह से अंदर से पक जाए, नहीं तो कच्ची रह सकती है। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह से हम सारी पीसों को तल लेंगे। ये देखिए तल चुके हैं, वैसे तो थोड़ा और थोड़ी देर और रखना है इसे। ये तल गए। अब ये तलने के बाद में अगर आपको इसे फ्राई करना है तो कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, राई और थोड़ा दही नमक डाल के भी इसे तड़का लगा सकते हैं। वैसे तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं और तड़का लगाने के बाद भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और ये देखिए हो चुका है चिकन 65 रेडी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।